Assalamu alaikum everyone. Today's video is for the professional physiotherapists who want to work as a professional physiotherapist in Saudi Arabia. तो जो सबसे पहला और फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो हमने अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाना पड़ता है, मैट्रिक, एफएससी और एचईसी की डिग्री को. यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि एचईसी की डिग्री को अटेस्ट करवाने के लिए आपको ऑनलाइन एचईसी की साइट पे एचईसी का फॉर्म फिल करना पड़ता है. वहाँ पे आपको अपनी फ़ी भी सबमिट करवानी पड़ती है और वो फीजेबल टाइम और फीजेबल आपको जो डेट लगती है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है और उसी डेट और टाइम पे आपको एचईसी के ऑफिस चले जाना होता है और वहाँ से अपनी एचईसी की डिग्री को अटेस्ट करवाना पड़ता है. और जहाँ पे बात आ गई मैट्रिक और एफएससी की, तो अगर वो फेडरल बोर्ड की है तो आपको पहले इंटर बोर्ड जाना पड़ता है. इंटर बोर्ड के बाद आपको फिर फेडरल बोर्ड पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी ये दोनों डिग्रीज अटेस्ट होगी. उसके बाद आपको अपनी एचईसी की डिग्री और फेडरल बोर्ड या जो भी बोर्ड आपका है वो वाली डिग्रीज़ लेके आपको लास्ट में फॉरेन ऑफिस जाना पड़ता है और फॉरेन ऑफिस से अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाना पड़ता है. मैं एक बात मेंशन कर लूँ कि बग़ैर बोर्ड और एचईसी के अटेस्ट किए हुए फॉरेन ऑफिस आपकी डिग्रीज़ को अटेस्ट नहीं करेगा, इसलिए पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. अपने बोर्ड एचईसी से अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाने के बाद आप फॉरेन ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे अटेस्ट करवाएं. तो जो सेकंड स्टेप है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस या मेंबरशिप सर्टिफिकेट हो पेप्टा का, पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन का. पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन 1 ईयर और 2 ईयर के हमें लाइसेंस इशू करती है जो कि आपको रीन्यू करवाने पड़ते हैं. अच्छा, जो थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन वो है डेटा फ्लो. आपने अपने वेरीफाई करने हैं डॉक्यूमेंट्स डेटा फ्लो के थ्रू. डेटा फ्लो की फ़ी जो होती है 900 सऊदी रियाल होती है. जब आपका डेटा फ्लो हो जाएगा कंप्लीट तो वो आपकी प्राइमरी वेरिफिकेशन होती है. यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूँ डेटा फ्लो के लिए और लाइसेंस के लिए, जो सऊदी की कंडीशंस हैं वो, सऊदी लाइसेंस की कंडीशंस हैं वो ये है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है. तो जो डेटा फ्लो है वो आपकी डिग्रीज़ को और आपके वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेगी. इधर वो ईमेल के थ्रू वेरीफाई करते हैं, कॉल के थ्रू वेरीफाई करते हैं, ऑनलाइन डेटा के थ्रू वेरीफाई करते हैं, कैसे भी वेरीफाई करते हैं. उसके बाद वो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं. अब कुछ 25 to 30 या कभी 35 days भी लग जाते हैं उनकी रिपोर्ट मिलने तक. तो वो इशू करेंगे आपको डेटा फ्लो रेफरेंस नंबर अलॉन्ग विद PDF फाइल जो कि आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी. ये नेगेटिव भी आ सकती है और ये पॉजिटिव भी आ सकती है. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमने मुमारिस प्लस पे जाना है. गूगल में आप मुमारिस प्लस लिखेंगे, जैसे ही आपने गूगल में डेटा फ्लो लिखेंगे उसी तरह आपने गूगल में डेटा फ्लो लिखेंगे तो वो सारा कंप्लीट आपका सऊदी वाला आ जाएगा. उस पर क्लिक करके आपने स्टेप वाइज फॉलो करना है. मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी जिस पे कंप्लीट आपको मैं सामने ही ऑनलाइन करके दिखाऊंगी डेटा फ्लो भी और मुमारिस प्लस में भी क्लासिफिकेशन. ओके, अब जो है हमारे पास मुमारिस प्लस है, इसमें हम लोगों ने क्रिएट करना है, लॉगिन करना है मुमारिस प्लस अकाउंट को. फिर हमने जाना है प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हमने प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन में क्लिक करना है. यहाँ पे हमने अपडेट करनी है पर्सनल डिटेल्स अपनी और यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि हमने इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया हुआ पास्ट में. एजुकेशनल डिटेल्स इसमें हमने डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है. सेकेंड है कि हमने वेरीफाई करनी है एप्लीकेशन समरी. फिर हमने पेमेंट करनी है प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन की जो कि ऑनलाइन ही होगी. आफ्टर रिव्यूइंग वो हमें इशू करेंगे एलिजिबिलिटी नंबर विद इन 2 वीक्स. इस एलिजिबिलिटी को नंबर को लेके हम लोग प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसके लिए हमारे पास थ्री चांसेस होते हैं. 3 अटैम्प्ट्स में हम लोग इसको कर सकते हैं. अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो आपके पास 2 और अटैम्प्ट्स होते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या होता है. 3 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, 150 इसमें हमारे पास MCQs होते हैं जिसमें 10 pilot questions होते हैं. और एग्ज़ाम में आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो उसमें हमने लाना है आईडी कार्ड अपना लाना है, पासपोर्ट लाना है, एग्ज़ाम स्केड्यूल प्रिंटेड आउट टू द हॉल. ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये कुछ सिलेबस है जो कि प्रोमेट्रिक का है उसमें मेडिकल नॉलेज जो होता है 14% मेडिकल नॉलेज के MCQs आते हैं, PT नॉलेज के 24% आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हमारे पास 24% आते हैं, न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के हमारे पास 19% आ जाते हैं क्वेश्चंस, कार्डियोलॉजी एंड जेरियाटिक्स के हमारे पास 19% आ जाते हैं. अब इसमें जो हमारे पास पासिंग परसेंटेज है सऊदी लाइसेंस की वो है 55%. 55% आपको गेन करने होते हैं टू पास लाइसेंस एग्ज़ाम.
अब यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट डोंट ओनली रिलाई ऑन दीज रेफरेंसेस. आपको बाकी भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाले रेफरेंसेस जो हैं ये इनकी साइट पे गिवन है, सो दी लाइसेंस एग्ज़ाम की साइट पे. द फर्स्ट इज़ मसल टेस्टिंग फंक्शन, मसल टेस्टिंग एंड फंक्शन विद पॉस्चर एंड पेन, फिफ्थ एडिशन, फ्लोरेंस पीटरसन 2005, क्लेटन्स इलेक्ट्रोथेरेपी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एंजेला फॉस्टर, नाइन्थ एडिशन 1999, टाइडीज फिजियोथेरेपी 13th एडिशन, फिजिकल रिहैब एंड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट 3rd एडिशन, सुजान बी क्यू सुलेवान 1994, टाइड्स फिजिकल थेरेपी एंड थॉमसन 12th एडिशन. अब ये एक ओवरव्यू था कि आपने अपना फिजिकल थेरेपी लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सऊदी लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए है. लेकिन इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, जो कि डिटेल पहले फर्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो डेटा फ्लो पे होगी, वो ऑनलाइन मैं आपको सब साथ करके दिखाऊंगी, उसके बाद ममारिस की होगी. तो ये कुछ स्टेप्स थे और कुछ नॉलेज था कि आप अपना लाइसेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में प्रोफेशनल फिजिकल थेरेपी थेरेपिस्ट वर्क करने के लिए आपको क्या क्या नीड्स हैं. काइंडली चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे फर्दर डिटेल वीडियोस भी मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. बेल आइकन को भी क्लिक कर दें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट्स में आप फ्रीली पूछ सकते हैं मुझसे, और डिटेल्स में डिटेल बॉक्स में मैं इंशाल्लाह सारी इसकी डिटेल्स भी मेंशन कर दूंगी. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सऊदी डेटा फ्लो का जो हमारे पास PDF फाइल आती है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, उसका सैंपल भी मैं आपको दिखा दूंगी. थैंक यू.